वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे बीना जी हैं। बीना जी, पवन सिंह जी आपके कार्यालय दिल्ली पहुंचते हैं जहां पर एक कार्यक्रम में शामिल होते हैं। क्या कार्यक्रम था और आपसे पवन जी का क्या क्या बात हुआ, क्योंकि पवन सिंह चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो क्या इस मैटर पे भी वहां पे कुछ बात हुआ, क्योंकि आप उनकी बहन है और मन से वो आपको संबोधित भी कर रहे थे कि बीना जी मेरी बहन है। देखिए विकास भाई, ऐसा है, जहां तक बहन की बात है तो पवन जी भी भाई हैं, वैसे वैसे सैकड़ों भाई हैं मेरे, है ना। जी वो दीदी बोल के ही लोग संबोधन भी करते हैं मुझे। और रही बात दिल्ली कार्यालय की, तो हमारी दिल्ली की अध्यक्ष है रितु शर्मा, उन्होंने अप्रोच किया था पवन जी को कि सर कभी दिल्ली आइए तो हमारे ऑफिस में आइए, या दिल्ली के महिलाओं को मिलने की बड़ी इच्छा है क्योंकि यहाँ भी आपके फैन एंड फॉलोअर्स हैं। तो संजोग वश वो दिल्ली आए हुए थे, तो उसी पीरियड में उन्होंने अपना, जो दिल्ली के अध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। हमारा शेड्यूल ऑलरेडी था, मैं अपने बिजनेस पर्पज से आई हुई थी, तो मैं वहां एज अ अतिथि गई थी। आपने देखा होगा कि मंच पे मैं नहीं थी वहां पे, जी क्योंकि वो दिल्ली का कार्यक्रम था। तो मैंने अपने सारे अध्यक्षताओं को इतनी फ्रीडम दी है कि जब जिसका कार्यक्रम हो तो मंच उन्हीं का हो। हम तो भाई परिवार के गार्जियन है, तो मेरे लिए तो सारे बच्चे ही हैं। तो उन्होंने बुलाया दिल्ली अध्यक्ष ने, तो मैं चली गई थी प्रोग्राम में। दिल्ली में थे, पूरी टीम ही थी हमारी, तो फिर इसलिए हम लोग गए थे वहां। इसके बाद बीना जी ये बताया जा रहा है कि पवन सिंह का कैंपेनिंग बीना जी करेंगे, महिला विकास मंच करेगी, क्योंकि पवन सिंह चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? क्या कैंपेनिंग का हिस्सा आप बनने के लिए तैयार हैं? किसने बताया आपको आप रूमर्स पे? क्यों गया? देखिए, ऐसी कोई बात मेरी उनसे नहीं हुई है अभी कि हम आपका कैंपेनिंग करेंगे। और रही बात कि कोई भी व्यक्ति अगर समाज के लिए आ रहे हैं या आएंगे या नहीं आएंगे, चुनाव से रिलेटेड मैं क्यों बात करूं? मैं थोड़ी राजनेता हूं यार, मैं ना तो न, मैं मंत्री हूं कहीं की, न विधायक हूं। चुनाव से रिलेटेड उनकी अपनी मीटिंग हो रही होंगी, हमसे कोई बात नहीं हुई इस मुद्दे लेकिन पर उनकी। आप बहन हैं और आपके भाई साहब सांसद बनना चाहते हैं। तो बनना चाहते हैं तो बनाया जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है? मतलब बनाया जाएगा ना, आप मानते हैं ना कि आप साथ देंगे अपने भाई का? अरे भाई, हर अगर इंसान वो, चूंकि अगर सैकड़ों लोग बोल रहे हैं कि वो दिल के अच्छे इंसान हैं, तो हमारी मजबूरी हो जाएगी मानना कि वो सच में दिल के अच्छे इंसान है, ठीक है ना। एक भी व्यक्ति अभी तक मुझे ऐसा नहीं मिला कि पवन सिंह की बुराई करता हुआ मुझे नजर आए। ठीक है, मैं मानती हूँ कि पहले जब तक हम उनसे नहीं मिले थे, लोग जब तक करीब से नहीं जानता था, तो हमने सोचा था कि जरूर ये इंसान बहुत बुरा होगा। लेकिन मिलने के बाद, करीब बैठने के बाद चीजें कुछ ऐसी नजर ही नहीं आई, तो मैं जबरदस्ती कैसे बोल दूं? मैं आज भी बोलती हूँ कि ज्योति दुनिया की सबसे अभागी महिला है, क्योंकि उसने, उसे पता था कि मेरे पति की जिंदगी क्या है, उसे पता है कि मेरा पति का लाइफ स्टाइल क्या है, वो सब जानते हुए उनके जीवन में आई और चीजों को संभाल नहीं पाई। और आज भी उसका टास्क सिर्फ एक ही है कि वो किसी भी तरह पवन को बदनाम करना। यार, या तो प्रेम से रह लो या प्रेम से अलग हो जाओ, किसी को एक दूसरे को नंगा कर रहे हो। खैर, पवन तो खैर नहीं करते हैं, ये काम ज्योति का ही। ये कितनी गलत बात है। अभी भी मैंने देखा एक पोस्टर वायरल हो रहा है, तो क्या ये सब चीजें ज्योति को करनी चाहिए? किसी भी महिला को, दुनिया की कोई महिला अगर ऐसा करती है तो डेफिनेटली ये गलत है। मैम, पोस्टर में बताया जा रहा है कि मैं ज्योति बहुत बड़ा राज खोलने जा रही हूँ। क्या राज खोलना है अरे इनका? अब क्या बाकी रह गया भैया राज खोलने के लिए? अब दुनिया वहां तक सोच रही है जहां तक ज्योति तुम्हारे, तुम पहुंच नहीं पाओगी। जितना राज खुलना था पवन का, सब पवन दुनिया का सबसे घटिया इंसान, पवन दुनिया का सबसे कैरेक्टरलेस इंसान, पवन दुनिया का सबसे क्रूअल इंसान, जो अपनी पत्नियों, पत्नियों शब्द से संबोधन करती है, वो पत्नी खुद है, पत्नियों शब्द से संबोधन करती है, को मारता था, पीटता था। अब इसके अलावा कुछ बचा क्या नंगा करने के लिए? आप करेगी क्या नंगा, अच्छा ये बताइए। अब कल को यही बोलेंगे कि पवन जी मेरे साथ ऐसे करते थे, वैसे करते थे। अरे तो पत्नी थे तो किसके साथ करेंगे, ये बताइए। बिल्कुल मैम, एक सवाल रहेगा। पवन जी का एक इंटरव्यू आता है एक चैनल पे, वो इंटरव्यू दे रहे थे, खूब फूट फूट कर रो रहे थे, कह रहे थे वो अपनी पत्नी के बारे में, जो अब इस दुनिया में नहीं है, नीलम सिंह का हम बात करें, उनके बारे में कह रहे थे कि ये भगवान बन के मेरे जिंदगी में आई थी, मेरे लिए देवता थी, लेकिन ये मुझे छोड़कर चली गई। देखिए, उस वक्त की कहानी तो मुझे नहीं पता,
लेकिन काउंसलिंग के दरमियान जब उनकी नीलम सिंह पत्नी का नाम आया था, जो इस दुनिया में नहीं रही, तो जब वो स्टोरी बता रहे थे कि उनकी मौत कैसे हुई, तो वो स्टोरी बताने के दरमियान वो हमारे सामने भी रो रहे थे, ठीक है, जो हम बोले भी इस बात को। तो हो सकता है जीवन में हादसा हो सकता है, इसमें कुछ भी पॉसिबल इम्पॉसिबल की कोई बात नहीं है, क्योंकि इसमें तो भाई ये अब क्या सच्चाई थी नहीं थी, लेकिन हाँ भावुक वो उस वक्त भी थे, जब नीलम का नाम आता है तो वो भावुक होते हैं। तो मे बी कोई एक छवि है, या वो अपने आप में ऐसा गिल्ट फील करते होंगे कि मैं संभाल के नहीं रख पाया, या जो भी वजह हो, ये बात सच्चाई तो हमारे सामने भी आई थी। मैम, एक पावर स्टार माना जाता है पवन सिंह को। लोग कहते हैं कि वो दिल के बड़े कठोर हैं, लेकिन वो कैमरे के सामने इस तरीके से फूट कर रोने लगे, तो आप इसका मतलब समझ रहे हैं, क्योंकि आप 48 घंटे उनके साथ बिताए हैं, बड़ी बहन वो आपको मानी है, और इस पे आपने लंबा चर्चा भी उनसे किया था, वो आपको कुछ बताए भी थे। तो क्या बहुत सारी अब बात तो मैं भी कैमरे में ऑन कैमरा रखने लायक बातें नहीं है, वो सारी बातें मैं जानती हूँ। खैर, मैं ये जरूर कहूंगी कि अगर वो कठोर हैं, तो उन्हें कठोर समाज के लिए ऊपर का दिखावा करना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस जगह वो हैं वहां थोड़ा कठोरता भी जरूरी है। रही बात पर्सनल रिलेशन में, वो किसी भी पर्सनल रिलेशन में उतने कठोर हमें नजर नहीं आए जितना उन्हें होना चाहिए था। न रूढ़ है न कठोर है, अरे हमसे क्या, वो तो अपने, मैं अभी देखी हूँ दिल्ली में करीब से, वो जो भीड़ में हर एक गरीब व्यक्ति से भी वो उसी तरह बात कर रहे थे जिस तरह हमसे करते हैं, तो हमें और उनमें फर्क ही क्या। तो वही चीज है, वो सबको एक ही नजर से देखता हमको नजर आता है। तो ठीक है, अब आप इसको ये कह लीजिए कि कलाकार आदमी है, उन्हें ये चीज अपना बना के रखना चाहिए समाज के लिए, तो अगर रखना रखते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं, रखना चाहिए, हर व्यक्ति को रखना चाहिए। तो आपको लगता है कि वो अब भी नीलम सिंह से उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले करते थे, वो इस दुनिया में नहीं रहने के बाद भी? भावुकता, बिल्कुल भावुकता है, जरूर है, दिल के किसी कोने में वो इस चीज को मिटा नहीं पाते हैं और हर वक्त उनकी याद में रहते हैं। तो ठीक है, उनकी पर्सनल फीलिंग है ये, उसमें हम लोग चर्चा क्या करें, नहीं करें तो ज्यादा बेटर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम ये अहम जानकारी देने के लिए, और पवन सिंह के लिए जो आपने जानकारी दी, इससे हो सकता है कि पवन सिंह के आगे आने वाली जो करियर है वह और साफ सुथरी लोगों को पता चल सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Thank you.